हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो देखिए, पार्ट नंबर टू अब हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला पार्ट मैंने करा दिया है आपको, जिसमें हमने एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब मैं आपको पार्ट नंबर टू करा रहा हूँ। तो फिजिक्स का पेपर सोल्यूशन चल रहा है यहाँ पे, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, सत्र 2022-23 का फिजिक्स का टर्मिनल क्वार्टरली एग्जामिनेशन पेपर, अर्थात यानी कि त्रैमासिक परीक्षाओं का पेपर हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 5 पर आ चुके हैं। किसी एक समान धनावेशित खोखले सिलेंडर का चित्र बना करके इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कीजिए। देखिए, तो धनावेशित खोखला सिलेंडर है, आपको पता है कि धनावेशित सिलेंडर जो होता है उसमें केवल पूर्ण आवेश जो होता है उसकी सतह पर हुआ करता है, अंदर किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होता है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ तक विद्युत क्षेत्र जीरो होगा और इसके लंबवत यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जाएगा। तो समझने के लिए कुछ इस तरीके से आप जो है बना सकते हैं इसकी विद्युत बल रेखाएं, कुछ इस तरीके से। तो ये एक 3D व्यू होगा, जिसको मैं पूरा पूरा तो यहाँ पे नहीं बना सकता हूँ, परंतु इमेजिनेशन के तौर पे थोड़ा सा इधर हम बना सकते हैं इस तरीके से। तो इसे त्रिज्यीय रूप में विद्युत क्षेत्र निकलेगा बाहर की तरफ, जैसे त्रिज्या होती है, या कह लीजिए कि इतना पतला सिलेंडर समझ लीजिए इसको, कि उससे ज़्यादा बेहतर आपका डायग्राम बन पाएगा। जितना पतला आप इसको दिखाएंगे तो ये हर तरफ हर दिशा में विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर होंगी, मगर अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होगा, क्योंकि आपने कह रखा है ये खोखला सिलेंडर है। चलिए अगला। दो बिंदु आवेश धनावेश कुछ दूरी पर स्थित हैं, इस व्यवस्था के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचिए। देखिए, दो बिंदु धनावेश यहाँ पे स्थित हैं, तो इस व्यवस्था के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखिए, बहुत खुशी हो रही है कि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं। ये देखिए, ये तो कुछ इस तरीके का फील्ड जो है जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि धनावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का फील्ड दोनों धनावेशों के लिए बनेगा, प्रतिकर्षित बल रेखाएं बनेंगी एक प्रकार से। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आगे का क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हर कोई जानता है, विद्युत क्षेत्र वे खुले वक्र होते हैं ये, जिनमें एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गति करता है। इसका मात्रक E इज इक्वल टू होता है F/Q, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम। और विमीय सूत्र आप इसका बना सकते हैं MLT^-2/Ampere × AT, क्यू की जगह AT आ जाएगा, तो ये बन जाएगा MLT^-3 और A^-1। तो ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। आवेश का क्वांटीकरण जानते ही हैं आप लोग, Q = NE, मतलब किसी भी वस्तु पर जो समग्र आवेश संपूर्ण आवेश होता है वह मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, NE, यानी कि पूर्ण उणज। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? किसी दिए गए तल से लंबवत निकलने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ओके, सो φ = E·S से भी आप लिख सकते हैं। ओके, या इसे आप जो है कंप्लीट dφ = E·dS भी आप बोल सकते हैं। यस, ठीक है। और कंप्लीट फ्लक्स के लिए आप इसका समाकलन भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा E·dS। और ये क्योंकि बाउंडेड होता है, बद्ध समाकलन होता है, इसलिए आप इसको यहाँ भी लगा सकते हैं। किसी बंद सरफेस से, सतह से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और अगर यहीं पर चुंबकीय शब्द यूज कर देते तो आप चुंबकीय फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स संबंधी गॉस का नियम, बेहद सरल स्टेटमेंट, केवल लिखना था कि किसी बंद सतह से निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स उस सतह के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। सो φ = Q × 1/ε0, ये इसका फॉर्मूला था। मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है? देखिए, जब आप मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो फॉर्मूला लगता है V = E − IR। ओके, तो जब आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी के स्टार्ट करने से धारा बहती है, धारा बहती है तो आंतरिक प्रतिरोध अपना काम करता है, और आंतरिक प्रतिरोध आने से ये जो विभव कम हो जाता है, और फाइनल विभव कम होने से हेडलाइट जो होती है वो मंद हो जाती है। V = E − IR, क्योंकि जब तक सर्किट बंद रहेगा, सर्किट खुला रहेगा, तब तक धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जैसे ही धारा प्रवाहित होती है
वैसे ही विभवांतर आता है, और आपको पता है कि जो विभवांतर होता है वो विद्युत वाहक बल से हमेशा कम होता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, तो डिस्चार्जिंग करने से ऐसा हो जाता है। अगला, ताप बढ़ाने पर किसी चालक की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है? ताप बढ़ाने पर मतलब यहाँ पर हमको प्रतिरोधकता का रिलेशन लिखना पड़ेगा, तो रो इक्वल्स टू होता है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, शायद कुछ ऐसा रिलेशन होता है। ताप बढ़ाने पर आपको पता है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है? ताप बढ़ाने पर तार के यानी कि कंडक्टर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शीघ्रता से टकराने लगते हैं, जिससे इनके बीच टकराव का समय कम हो जाता है, यानी श्रांति काल कम हो जाता है, और श्रांति काल कम होने से जो प्रतिरोधकता यानी कि विद्युत विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वह बढ़ जाता है। ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, अधिकतम धारा का मान कितना लिया जा सकता है? विद्युत वाहक बल इतना दिया है, तो आप अधिकतम धारा इससे कितनी ले सकते हैं? तो देखिए, अधिकतम धारा कह रहा है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 4 ओम है, इस बैटरी से ली जा सकने वाली अधिकतम धारा कितनी होगी? एक कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, मतलब E इज इक्वल्स टू आपको दिया गया है 12 वोल्ट, ओके। और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 4 ओम है, 4 ओम बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा देखिए कितनी होगी, I इज इक्वल्स टू होता है E अपॉन R प्लस R। तो अधिकतम धारा के लिए आप बाहरी प्रतिरोध को जीरो कर सकते हैं, और जिस समय बाहरी प्रतिरोध जीरो होगा तो ये बन जाएगा E अपॉन R, मतलब 12 अपॉन 0.4, ये कैंसिल कर दीजिए, जीरो ऊपर चला जाएगा, मतलब कि 4 × 3 = 12, 30 एम्पियर, ओके। तो 30 एम्पियर की आप यहाँ से धारा ले सकते हैं, 0.4 ओम इसका आंतरिक प्रतिरोध था। 5 सेल जिसके EMF 2 वोल्ट हैं, आंतरिक प्रतिरोध इतने हैं, समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य EMF, आपको पता है कि समांतर क्रम में कभी तुल्य EMF नहीं बदलता है, तो समांतर क्रम में तुल्य EMF 2 वोल्ट ही आएगा, E इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट ही आएगा। और 5 सेल हैं, आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R पैरेलल में है तो ये हो जाता है R बाई N, तो 1 ओम कितना है, 0.5 है, यहाँ पे 0.5 है, डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 0.1 ओम, यस। तो इसका आंसर है 0.1। एम्पियर का परिपथी नियम सभी को याद होगा भाई, कि किसी बंद लूप में चुंबकीय क्षेत्र का लेंथ इंटीग्रेशन B.dl, ओके, रैखिक समाकलन बोलते हैं हिंदी में, इज इक्वल टू उस लूप से जाने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट आई, उस लूप से बद्ध जाने वाली धारा का ये होता है म्यू नॉट गुना। चुंबकीय संबंधी गॉस का नियम लिखिए, चुंबक संबंधी गॉस का नियम, ओके, चुंबक संबंधी गॉस का नियम कहाँ होता है भाई? चुंबक संबंधी जो नियम होता है वो एम्पियर का नियम चुंबक के केस में चलता है, चुंबक का कुलाम का नियम होता है, चुंबक संबंधी गॉस का नियम, ओके, चुंबक संबंधी गॉस का नियम, विद्युत क्षेत्र संबंधी गॉस का नियम क्या था? विद्युत क्षेत्र संबंधी गॉस का नियम ये था कि विद्युत क्षेत्र संबंधी गॉस का नियम, चुंबक संबंधी तो समझ में नहीं आ रहा, विद्युत क्षेत्र संबंधी गॉस का नियम ये था कि ई मतलब कुल चुंबकीय फ्लक्स ई डॉट डी एस जो विद्युत फ्लक्स जो होता है क्यू वटे एप्सिलॉन नॉट होता है, और यहाँ पर मेरे ख्याल से ये थोड़ा गलती कर गए हैं, चुंबक संबंधी गॉस का नियम नहीं होता है, आवेश संबंधी गॉस का नियम होता है, और अगर आप चुंबक की बात करते हैं तो चुंबक में एम्पियर का नियम लिखता है, जो कि मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, तो बहुत सारे बच्चों ने एम्पियर का परिपथी नियम लिख दिया होगा, इसलिए इसमें नीचे जाने की कोई ज़रूरत उन्हें महसूस नहीं हुई होगी। लॉरेंट्ज़ फोर्स के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र बी के मात्रा को परिभाषित कीजिए, तो एफ इक्वल टू कितना होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, इस तरीके से B का मात्रक आप रोक लेंगे तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F अपॉन Q और यहाँ पे V साइन थीटा। साइन थीटा की तो कोई इकाई होती नहीं है, ओके, F की इकाई आप कह सकते हैं, तो F यदि आप इसकी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक यदि आप यहाँ से परिभाषित करना चाहें तो न्यूटन आप इसको पूरा लिख दें, F को न्यूटन में लिखता हूँ मैं, ओके, और ये क्या होता है भाई साहब, क्यू यानी कि एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड होता है, और वी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, हाँ, तो इसका आंसर आ गया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है न्यूटन पर एम्पियर मीटर।
चल कुंडली धारा मापी को एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है? बढ़िया क्वेश्चन, सरल क्वेश्चन। अगर आप एमीटर बनाना चाहते हैं तो आप धारा मापी के साथ समानांतर क्रम में शंट जोड़ दीजिए, और अगर आप वोल्टमीटर बनाना चाहते हैं तो आप धारा मापी के साथ श्रेणी क्रम में अधिक रेजिस्टेंस का वायर जोड़ दीजिए। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं? अगर वे क्वाइल और चुंबक के बीच में सापेक्षिक गति की जाए तो क्वाइल में एक प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है, इसको बोलते हैं हम विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित लेंज का नियम, लेंज के दो नियम बताए थे मैंने। पहला नियम था जिसको मैं बोलता हूँ, जब तक है जहाँ, मतलब कि जब तक चुंबक सापेक्षिक गति करता रहेगा तब तक विद्युत वाहक बल बनता रहेगा। और दूसरा नियम था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। किसी बिंदु आवेश के कण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू से बेहद ही सरल डेरिवेशन आता है, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका आंसर आता है। संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम रखने पर इसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है? ओके, तो संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम रखने पर क्या होता है? इसके बीच का विभवांतर कम हो जाता है। अब विभवांतर कम होने से C इक्वल टू क्यू अपॉन V के फॉर्मूले से V अगर कम होगा तो धारिता बढ़ जाएगी। विभव कम हो जाता है क्योंकि विद्युत क्षेत्र अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाता है प्लेट के अंदर, यहाँ पर परावैद्युत के अंदर। तो मेन विद्युत क्षेत्र है E जीरो, और अंदर जो विद्युत क्षेत्र बनता है परावैद्युत माध्यम के अंदर वो होता है E नॉट अपॉन K। दोनों विद्युत क्षेत्र अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, विपरीत डायरेक्शन में होते हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ जाते हैं। परिणामी विद्युत क्षेत्र कम हो जाता है जिसकी वजह से परिणामी विभवांतर कम हो जाता है, और विभवांतर कम होने से धारिता बढ़ जाती है। समविभव पृष्ठ क्यास किसे कहते हैं? ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहते हैं। इससे निकलने वाली विद्युत बल रेखाएं लंबवत होती हैं, इसके अंतर्गत किया गया कार्य शून्य होता है। विद्युत विभव किसे कहते हैं? अनंत पर रखे हुए आवेश को, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र पर लाने में जितना काम करना पड़ता है उसे हम कहते हैं विभव। ठीक है, विभव किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक हैं कि उसके अंदर आवेश की मात्रा कितनी है, और दूसरा है कि उसके सामने कौन सा चालक रखा हुआ है। यह किस पे, यह विभव को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? देखिए, यदि आपके पास कोई चालक है और उसमें यदि कोई आवेश है और आप यदि इसके सामने अन्य चालक कर देंगे तो ये जो है, और यदि इसको आप भू से संपर्कित कर देंगे तो ये आवेश जो है इफेक्टिवली इस आवेश को कैंसिल कर देगा और इसके विभव को कम कर देगा। यस, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों को काफ़ी स्टडी करनी पड़ेगी। हालांकि एक क्वेश्चन इन लोगों ने बहुत आसान दिया ऊपर वाला, और एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया है, इसको मतलब लॉजिकल कंसेप्चुअल थोड़ा सा पढ़ के जाने वाला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन, दो चालक समान पदार्थ के हैं, इनकी लंबाई भी समान है, प्रतिरोध क्रम से आर ए आर बी है, चालक ए इतने ठोस तार है, व्यास दिया हुआ है, चालक बी इतने का व्यास है, आर ए और आर बी का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए बहुत सरल सवाल है, आप जानते हैं कि आर ए इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, इसको मैं ए वन ले लेता हूँ, और आर बी इक्वल्स टू रो एल टू अपॉन ए टू, तो दोनों ही समान पदार्थ के बने हुए हैं तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पदार्थ पर निर्भर करता है। दोनों की लंबाइयाँ भी समान है तो एल से एल भी कैंसिल हो गया, कुल मिलाकर ए आर ए बटे आर बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा एरिया टू अपॉन एरिया वन, जिसको मैं लिख सकता हूँ पाई आर टू का स्क्वायर अपॉन पाई आर वन का स्क्वायर, जो कि त्रिज्या हो गई। अब देखिए जी, यहाँ पर आर टू स्क्वायर आर वन स्क्वायर, अब इनके क्या दिए गए हैं? व्यास दिए गए हैं। तो अगर एक पहले वाले का व्यास जो है एक मिलीमीटर है तो इसका जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी? एक बटे दो मिलीमीटर। तो मैं आर वन की जगह रख सकता हूँ 0.5 मिलीमीटर का स्क्वायर, तो 0.5 मिलीमीटर का स्क्वायर आर वन का स्क्वायर, और ऊपर इसकी त्रिज्या दो मिलीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा? दो का आधा एक मिलीमीटर का स्क्वायर, एक से ये कैंसिल हो गया, आंसर आया कितना? एक बटे 0.5, 0.5 का दशमलव ऊपर तोड़ूंगा तो 10 बनेगा, और 5 दूने 10 तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 2:1। अगला सवाल, कमरे के तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है, यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो जाए तो अवयव का तापमान क्या होगा? यस, ये देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है आर टी इज इक्वल्स टू आर जीरो वन प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, यानी कि डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आर टी इज इक्वल टू आर जीरो वन प्लस अल्फा टी,
तो ये इनका कहना है कि कमरे के तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये समीकरण हमारे पास दो बार लगेगा, पहले आर टी इक्वल टू आर प्लस अल्फा, मतलब इसको पहले टी वन के लिए सॉल्व कर लीजिए, फिर इसके बाद आप इसको टी टू के लिए सॉल्व कर लीजिए, आर टी टू, ओके आर टी टू पहला ओम आपको दिया है 100 और दूसरा दिया है आपको 117, तो आर टी टू इक्वल टू आर जीरो वन प्लस अल्फा टी टू, एक बार आप टी वन के लिए सॉल्व कीजिए, एक बार टी टू के लिए सॉल्व कीजिए और दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपके पास टी का मान, अंतिम वाला तापमान आपको पता नहीं है, टी टू रख दीजिए उसकी जगह और अंतिम वाला तापमान आपके लिए आ जाएगा। पीसी प्रचालक का प्रतिरोध किस किस कारकों पर निर्भर करता है? भाई साहब बहुत ही सरल सवाल है, आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, और दो चीज़ों पर निर्भर करता है, साथ ही साथ तापमान के भी निर्भर करता है, तापमान की निर्भरता दी जाती है इस समीकरण से, आर टी इक्वल टू आर जीरो ब्रैकेट में वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, या डेल्टा थीटा भी लिखते हैं कुछ लोग। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टा और विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना है, तो भैया V इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये जो है रिलेशन करवाया गया था आपको, आपको इस तरीके से रिलेशन करना है, ठीक है, यही समीकरण करना है आपको। V इक्वल टू बायोट सेवर्ट का नियम लिखिए, बायोट सेवर्ट का नियम बताया गया था आपको कि किसी धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर ली गई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बी इज प्रोपोर्शनल टू आई, बी इज प्रोपोर्शनल टू डी एल, बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा एंड बी इज प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, चारों को लेकर के ये डिफाइन की जाती है। अब इसके बाद कह रहा है बायोट सेवर्ट के नियम के आधार पर विद्युत धारा के मात्रक को स्पष्ट कीजिए, तो देखिए फाइनली आया था B इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो विद्युत धारा का मात्रक ये था यहाँ पे, और साथ में बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट में भूल गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जी हाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र लीजिए 10 की पावर -7, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है 10 की पावर -7, आई हो गया अल्पांश की लंबाई 1 मीटर, लंबवत ले लीजिए तो साइन 90 और त्रिज्या ले लीजिए 1 मीटर, तो सब कुछ करने के बाद आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, अर्थात धारा 1 एम्पियर होगी। अगला, धारा मापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं? यस, तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी कंसेप्चुअल है, मैंने आपको ये फॉर्मूला जब बताया था तो इसमें एक रिलेशन आता है धारा मापी की सुग्राहिता के लिए कि धारा मापी जो है कितना जल्दी फ्लेक्सिबल होता है, कितना जल्दी फ्लेक्सिबल होता है, इसमें एक रिलेशन आई इज इक्वल टू जी थीटा आया था, जी थीटा, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ सी थीटा आया था, यस कुछ ऐसा करके, तो सी का अपोजिट कुछ बनता है धारा मापी की सुग्राहिता, राइट नो मुझे याद नहीं है, मगर आप इसको बना सकते हैं, कुछ इतना मुश्किल नहीं है, आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से बनता है ये, टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू होता है के थीटा, यस एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा, एक्सटर्नल टॉर्क हो जाता है बी आई एन ए बीना और इज इक्वल्स टू के थीटा, सो थीटा इज इक्वल्स टू ओके आई इज इक्वल्स टू के अपॉन बी एन ए, जी हाँ आई इज इक्वल्स टू के अपॉन बी एन ए और ये थीटा, तो आई इक्वल टू जी थीटा, ये जी क्या था, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और इसका जो विलोम होता है वही धारा मापी की सुग्राहिता, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, इसमें थोड़ा सा लर्निंग कंसेप्ट लग रहा है जो मुझे राइट नो क्लिक नहीं हो रहा है। गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? भाई ई इक्वल्स टू बी एल वी का फॉर्मूला डेवलप किया था वो कहलाता है गतिक विद्युत वाहक बल, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला। इसके बाद डायनेमो क्या होता है? जनित्र को ही डायनेमो कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा डायनेमो के सिद्धांत और संरचना का वर्णन कीजिए, है ना, प्रत्यावर्ती धारा का डायनेमो मैंने बताया था कि इसमें एक क्वाइल होती है, एक इसमें लेग होता है, ओके इसमें इस पे स्लिप रिंग हुआ करती है प्रत्यावर्ती डायनेमो में, और नीचे से रेजिस्टेंस कनेक्ट रहता है और आप इसको घुमाते हैं और इसमें विद्युत जनरेट होती है। ट्रांसफार्मर की व्याख्या, नामांकित चित्र ट्रांसफार्मर का बन जाएगा, एक प्राथमिक कुंडली होती है, एक द्वितीय कुंडली होती है, ओके और इसके बाद इसका सिद्धांत, ये सिद्धांत किस पर काम करता है? ये अन्योन प्रेरकत्व के सिद्धांत पर काम करता है। परिणामन अनुपात के इज इक्वल टू होता है एन टू बाई एन वन, इसी को बोलते हैं ई टू बाई ई वन, इसी को बोलते हैं वी वन बाई वी टू, और यही होता है आई वन अपॉन आई टू। ऊर्जा क्षय के कारण मैंने बताए थे कि इसमें दो प्रकार के ह्रास होते हैं, एक होता है ताम्र ह्रास जो कि इसकी वायरिंग में होता है, दूसरा होता है लौह ह्रास जो कि इसके क्रोड में हुआ करता है, दोनों ह्रास बताने थे। एसी परिपथ जिसमें एक प्रेरक और धारिता है के लिए फेजर आरेख, प्रेरक और धारिता मतलब यहाँ पे एलसी परिपथ बोला गया है, फेजर आरेख बना करके प्रतिबाधा का सूत्र स्थापित कीजिए, प्रत्यावर्ती
विद्युत वाहक बल और धारा की प्रत्येक स्थिति के लिए संबंध लिखिए जिसमें एक प्रेरक एवं धारिता दोनों हैं। ओके, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है कि इन लोगों ने हमसे सीरीज़ पूछा है कि पैरेलल पूछा है। तो वेल, मेरे को लग रहा है कि सीरीज़ ही पूछा होगा। तो यहाँ पे एक ये अपने पास एक एल है और एक अपने पास सी है, तो इसका फेज़र डायग्राम बनाना था। ऊपर वी एल जाता है, इधर वी सी जाता है, इधर पे करंट आई जाती है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा वी एल माइनस वी सी, जो नेट वोल्टेज जाएगा वो बनेगा वी एल माइनस वी सी, और ये इसका फेजर डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ओके, दो इसमें कंडीशंस हो सकती हैं प्रत्येक स्थिति। एक पहला हो सकता है कि अगर वी एल वी सी से बड़ा है तो वी एल वी सी से बड़ा होगा, साथ ही साथ एक इसमें रेजिस्टेंस भी आपको लगाना पड़ेगा। बोला भले नहीं गया है, ये पक्के से आर एल सी सर्किट है। ओके, क्योंकि तार अगर लगेगी तो उसका रेजिस्टेंस भी काउंट होगा। और इसके बाद जो है एक वी एल ग्रेटर देन वी सी तो ऊपर की तरफ जाएगा नेट वोल्टेज, अगर वी सी ग्रेटर देन वी एल तो नीचे की तरफ जाएगा नेट वोल्टेज, और वी सी इक्वल टू अगर वी एल हो जाएगा तो नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा, इसमें ऊपर नीचे नहीं जाएगा, केवल रेजिस्टेंस की डायरेक्शन में जाएगा, मतलब फेज एंगल 0 डिग्री हो जाएगा। काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है, मैं यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करूँगा। अगर आपको इसको देखना है तो आप मेरे प्रत्यावर्ती धारा के वीडियोस पे जा करके विजिट कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसके पूरे डेरिवेशन मिल जाएंगे। तो सारी चीज़ें हमने करा रखी हैं यहाँ पर, कुछ भी ऐसा जो नहीं है कि जो मैंने आपको ना करवाया हो, सब कुछ आपको सिलेबस के अंदर से पूछा गया है। ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि पेपर का लेवल देख करके मैं बहुत खुश हूँ, पेपर का लेवल बहुत अच्छा आया है, और ऐसा पेपर कहीं ना कहीं ज़रूर आपको कहीं ना कहीं एक भाव से प्रेरित करेगा कि अब हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। इतना आसान नहीं है पेपर बन ये वाला देना, बन नहीं पाएगा, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ आप हमको आज्ञा दीजिए। आपका बहुत बहुत शुभ हो, बहुत बहुत मंगल हो, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।